राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुर मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दों ता गावे हर केरा मन जिन्नी बसाया कहे नानक आनंद होया सतगुर मैं पाया। गुरु अमरदास जी की लोक प्रख्यात रचना आनंद साहिब सर्व वंदनीय है। कहा जाता है कि गुरु जी ने अपनी बेटी बीबी भानी व गुरु रामदास जी के विवाह पर इस वाणी का उच्चारण किया, उसी वक्त उन्हें अपने पोतरे के जन्म की खुशखबरी भी मिली। इस वाणी में गुरु जी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रभु का धन्यवाद किया। जब भी अखंड पाठ अथवा कीर्तन संपूर्ण होता है तो अरदास करने से पूर्ण आनंद साहिब का पाठ किया जाता है। हे मेरी माँ, मन में आनंद ही आनंद हो गया है क्योंकि मैंने सतगुरु पा लिया है, सतगुरु को सहज स्वभाव ही प्राप्त कर लिया है जिससे मन में खुशियां पैदा हो गई हैं। यू प्रतीत हो रहा है रत्नों जैसे अमूल्य राग रागणियां एवं परियां परिवार सहित शब्द गान करने के लिए आई हैं। जिन्होंने परमात्मा जी को मन में बसा लिया है वे सभी उसकी स्तुति का शब्द गान करो। नानक कहते हैं कि सतगुरु को पाकर मन में परम आनंद पैदा हो गया है। ए मन मेरिया तू सदा रह हर नाले, हर नाल रह तू मन मेरे दुख सब विसारणा, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन नह विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रह हर नाले। हे मेरे मन तू सदा परमात्मा जी के साथ लीन रह, हे मन परमात्मा जी के साथ लीन रहेगा तो वह तेरे सभी दुख भुला देगा, वह तेरा ही साथ देता रहेगा और तेरे सभी कार्य संपूर्ण करने वाला है। जो स्वामी सभी बातें पूरी करने में समर्थ है उसे क्यों मन से भुला रहे हो। नानक कहते हैं कि हे मेरे मन सदा परमात्मा जी के साथ आस्था बनाकर रहो। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है जिस देह से पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द घनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। हे सच्चे मालिक तेरे घर में क्या कुछ नहीं है, तेरे घर में तो सब कुछ है परंतु जिसे तू देता है वही प्राप्त करता है। जो सदा तेरी महिमा गान करते हैं उनके मन में नाम का निवास हो जाता है, जिनके मन में नाम आ बसता है उनके हृदय में अनहद शब्द के बाजे बजते रहते हैं। नानक कहते हैं कि हे सच्चे मालिक तेरे घर में भला क्या कुछ नहीं है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आई बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुर बिट है जिस दिया एह बड़िया, कहे नानक सुन है संत है शब्द धर प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, प्रभु का सच्चा नाम ही मेरा आधार है, उसका सच्चा नाम ही मेरा आधार है। जिसने हर प्रकार की भूख को मिटा दिया है, जिस नाम ने मेरी सब कामनाएं पूरी कर दी हैं, वह सुख शांति करके मेरे मन में आ बसा है। मैं उस गुरु पर सदा कुर्बान जाता हूँ जिसने यह बड़ियाई प्रदान की है। नानक कहते हैं कि हे संत जनों जरा ध्यान पूर्वक सुनो, गुरु शब्द से प्रेम करो
प्रभु का सच्चा नाम ही मेरा जीवन आधार है। बाजे पंच शब्द तित घर सब भागे, घर सब भागे शब्द बाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद बस कीते, काल कंटक मारिया, दूर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होया, तित घर अनहद बाजे, उस भाग्यशाली हृदय घर में, रवाब पखावज ताल घुंगरू एवं शंख, पांच प्रकार की ध्वनियों वाले अनहद शब्द बजते हैं। उस भाग्यवान हृदय घर में पांच शब्द बजते हैं, जिस घर में परमात्मा ने अपनी शक्ति रखी हुई है। हे परमेश्वर, तूने काम आदिक पांच दूतों को वशीभूत करके भयानक काल को भी मार दिया है। प्रभु के नाम में वही जीव लगे हैं जिनकी किस्मत में प्रारंभ से ही ऐसा लिखा है। नानक कहते हैं कि जिस हृदय घर में अनहद शब्द बज रहा है, वहां सुख उपलब्ध हो गया है। साची लिव्वे बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिव्वे बांज है किया करे बेचारियां, तुद बांज समर्थ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया, इस नव होर थाउ नाही, शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिव्वे बांज है किया करे बेचारियां। ईश्वर से सच्ची लगन के बिना यह देह तुच्छ है, सच्ची लगन के बिना बेचारी तुच्छ देह क्या कर सकती है। हे बनवारी, तेरे अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं है, अपनी कृपा करो, इस देह को अन्य कोई स्थान नहीं है, शब्द में लगाकर ही इसका सुधार हो सकता है। नानक कहते हैं कि ईश्वर से लगन के बिना यह बेचारी देह क्या कर सकती है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल बिख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदर जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक यह आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। हर कोई आनंद आनंद की बात कहता है, किंतु सच्चा आनंद गुरु से जान लिया है। सच्चा आनंद गुरु से जान लिया है, जो सदा ही अपने प्रिय सेवकों पर कृपा करता है। गुरु कृपा करके सारे पाप नष्ट कर देता है और आंखों में ज्ञान का सुरमा डाल देता है। जिनका अंतर मन से मोह टूट गया है, सच्चे प्रभु ने शब्द द्वारा उनका जीवन सुंदर बना दिया है। नानक कहते हैं कि यही सच्चा आनंद है, जिस आनंद की जानकारी गुरु से हासिल की है। बाबा जिस तू देह सोई जन पावे, पावे तासो जन देह, जिस नो होर किया कर है बेचारिया, इक भरम भूले फिर है दस दिस, इक नाम लग सवारिया, गुर प्रसादी मन भाया, निर्मल जिन्ना भाणा भावे, कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। हे बाबा, जिसे तू देता है वही व्यक्ति प्राप्त करता है, वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसे तू स्वयं देता है। कोई अन्य बेचारा भला क्या कर सकता है, कोई भ्रम संशय में भूला हुआ है और दसों दिशाओं में भटक रहा है, लेकिन किसी ने नाम के संग लगकर अपना जीवन सफल कर लिया है। जिन्हें परमात्मा जी की रजा अच्छी लगी है, गुरु की कृपा से उनका मन निर्मल हो गया है। नानक कहते हैं कि जिसे प्यारा प्रभु देता है वही व्यक्ति प्राप्त करता है। आवह संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाइये, तन मन धन सब सौंप गुर कौ, हुक्म मानिए पाइये, हुक्म मन है गुर केरा गावह सच्ची वाणी, कहे नानक सुनह संत है कथी अकथ कहानी।
हे प्यारे संत जनों, आओ हम मिलकर अकथनीय प्रभु की कथा कहानी करें, हम अकथनीय परमात्मा जी की कथा करें और सोचें कि उसे किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को सौंप कर उसके हुक्म का पालन करके ही ईश्वर को पाया जा सकता है।